और इधर सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देर रात किन्नरों से तंग आकर दो युवकों ने ट्रेन से ही छलांग लगा दी। इसी दौरान दूसरी लाइन पर आ रही ट्रेन दोनों युवकों को कुचलते हुए निकल गई। घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस का कहना है कि मृतकों की शिनाख्त सवाईमाधोपुर के चौधरी मोहल्ला निवासी फूलचंद सेन और महेश उर्फ गोलू सोनगरा के रूप में हुई है। दोनों युवक अपने एक अन्य साथी के साथ सवाईमाधोपुर से खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इधर पुलिस किन्नरों द्वारा मारपीट करने की घटना से इनकार कर रही है। रात को यह घटना हुई, हम यहाँ से गए जैक्सन, जैक्सन पे जाते हैं, हमने टिकट ले लुआ के हम पहुँच गए। वहाँ बैठे बाद ट्रेन में टिकट लिया तो हमने सीट पे बैठ गए। सीट में बैठे बाद एक खिड़की पे गए तो खिड़की में गेट लगाया था, जो हमने गेट खुलवाने की कोशिश की तो अंदर जाते हैं हिजड़ा, हमें गाली गलौच बकने लग गया। तो एक आदमी जितने लग गया उससे जीते बाद उसके सार पर क्या है, विकलांग डिब्बा, विकलांग में बैठो आप। तो विकलांग में नहीं बैठा तो उसको भी उतार लिया विकलांग वाले को। उसने यूँ कहा तुम भी उतरो, तो किन्नर ने हमें पकड़ के हम उसको देख के चक्कर में हम ट्रेन में से कूद गए। कितने बजे घटना करा मैं ये सवा दो ढाई। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम मोरिंगा काटू श्याम जी। कितने जने थे टोटल? 3 जने। कोटा हिसार ट्रेन में दो व्यक्ति चढ़ने के लिए रॉन्ग साइड खड़े हुए, उसी दौरान मध्य लाइन से तुरंत को एक्सप्रेस आई और उससे ये ओवरटेक में मारे गए। बताया जा रहा है कि ये क्या नाम से हिजड़ों के चक्कर में मारे गए, किन्नरों के चक्कर में? नहीं, वहाँ कोई नहीं था, नहीं मौके पे हमारा जलसा खड़ा हुआ था, ऐसी कोई घटना नहीं।